जबीन, वेलकम टू एक रेसिपी। आज हम बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही मजेदार। जी हाँ, चिकन 65, हैदराबादी चिकन 65। चले बनाते हैं। तो हमारी चिकन 65 के लिए सबसे पहले करते हैं चिकन को मैरिनेट। और यहाँ पे मेरे पास 1 चिकन ब्रेस्ट है जो कि 1 पाउंड के करीब था, और मैंने उसके स्मॉल क्यूब्स बनाए हैं। बहुत थिक नहीं बनाने हमने, अगर बहुत थिक है चिकन ब्रेस्ट तो उसको दरमियान से हाफ कर लें और फिर उसके बाद उसके क्यूब्स बना लें। तो यहाँ पे मेरे पास ये उसी तरह से कटी हुई है, 1 इंच के करीब क्यूब्स बने हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1.5 टीस्पून ऑल पर्पज फ्लावर एंड 1.5 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, 1 टेबल स्पून फ्रेश जिंजर पेस्ट। तो इसमें जिंजर थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि हमारे चिकन के पीसेस टेंडर हों। 1/2 टीस्पून क्रश चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ही हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। 1/2 लाइम इसका जूस यूज़ कर रही हूँ। और अब इसमें लास्ट जो चीज़ जा रही है वो 1 egg white। देखो, अब मिक्सिंग का टाइम है। मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा इसमें कॉर्न स्टार्च और ऑलपर्पज़ फ्लावर ना डालें, इसीलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी डाली है, क्योंकि वो बहुत थिक सी कोटिंग हो जाती है जो कि अच्छा टेस्ट नहीं देती। हमारी चिकन को हम 1/2 आवर एटलीस्ट मैरिनेट करने के लिए छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट हो तो बेस्ट रिजल्ट है। तो हमारी 1/2 आवर मैरिनेशन के बाद मैं अब चिकन को फ्राई कर रही हूँ, और अपनी कढ़ाई में डालते हैं ऑयल। हम अपनी चिकन को जो है वो मीडियम हाई पे फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने जो है इसको क्रिस्पी बनाना है तो हाई हीट चाहिए हमें उसकी। हमारा ऑयल हीटअप हो गया है मीडियम हाई पे, और अब हम इसमें पीसेस डालते हैं चिकन के। मेरी कढ़ाई चूँकि बड़ी है और फैली हुई है, तो और हमारे पास जो चिकन है वो सिर्फ 1 पाउंड है, तो इसमें पूरा एक दफ़ा में फ्राई हो जाएगा। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं तो फ्राई करते वक्त चिकन को ओवर क्राउड मत कीजिएगा। इसकी वजह ये होगी कि हमारे चिकन क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जितनी देर में हमारी चिकन वहाँ पे फ्राई हो रही है, विच इज़ 2 to 5 मिनट्स, इतनी देर में हम यहाँ पे इसका मसाला बना लेते हैं, जो कि बहुत जल्दी से बन जाएगा। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसमें अब हीटअप होने के बाद, ऑयल के हीटअप होने के बाद, इसमें यहाँ पर 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, जिसे सरसों के बीज कहते हैं, वो है, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें अपने गरम ऑयल में डालते हैं। देवी को हमारी सरसों क्रैक होने शुरू हो गई है, आंच को करते हैं कम। और अब इसमें हम डालते हैं यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस डालते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ही मेरे पास शुगर है। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं। मसाले को बर्न नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा इसको गरम ऑयल में सोंधा करना है। आप देख सकते हैं कि मेरी आँच बिल्कुल हल्की है। तो जितनी देर में हमारा मसाला उस साइड पे भुन रहा है, हम अपने चिकन को देख लेते हैं और पलट देते हैं। तो चिकन बहुत ज़बरदस्त लग रही है, अच्छी फ्राई हो रही है, क्योंकि हमारे पैन में ऑयल ज़्यादा है और बड़ा पैन है, तो खुल के मज़े से इंजॉय कर रही हैं, मज़े से फ्राई हो रही है, इनको कोई परेशानी नहीं हो रही, ओवर क्राउडेड नहीं है। तो बस 1-2 मिनट और चाहिए हमारी चिकन को, और साथ साथ ही हमारा दूसरे चूल्हे पे मसाला भुन रहा है। क्विक सी डिश को क्विक ही बनाना चाहिए ना, अब वेट नहीं करना है कि भाई चिकन हो जाए तो मसाला भुने, साथ साथ दोनों काम। ये देखें, हमारा चिकन का मसाला यहाँ पर भुन गया है।
अब इसमें रह गया डालना 1/3 कप रेगुलर योगर्ट। हमारी आँच अभी लो ही है और इसको हम थोड़ा सा और लो करते हैं ताकि हम अपने दही को अच्छे से मिक्स करें और ये हमारी दही फट ना जाए। मसाले में जाके तो हमारी योगर्ट मिक्स हो गई है और हमारी चिकन भी रेडी हो गई है। आँच को करते हैं दोबारा से मीडियम और अपनी चिकन को निकालने का टाइम आ गया है। तो हमारा योगर्ट जो हमने डाला था वो उसमें से भी अब ऑयल नज़र आ गया है और पानी भी है थोड़ा सा जो कि हमें चाहिए ताकि हमारी सारी ये जो चिकन है अच्छे से कोट हो जाए। तो अब अपनी चिकन को इसमें डालते हैं स्लोली। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास कुछ करी लीव्स हैं वो मैं डाल रही हूँ और एक ग्रीन चिली है जिसको मैं स्लाइस करके डाल रही हूँ। आपकी मर्जी के मुताबिक आप जितनी दिल चाहे डालें। थोड़ी सी देर हम इसको इसमें मिक्स करेंगे और अपनी आंच को हाई कर देंगे। दैट्स इट, हमारा सारा लिक्विड ऑलमोस्ट गॉन है और हमारी चिकन फुली कोटेड है अपने मसाले से और हमारी चिकन 65 हैदराबादी स्टाइल रेडी है। तो ये ले जनाब हमारी मज़ेदार सी चिकन 65 रेडी है। चिकन 65 मोस्टली एज अ स्नैक के तौर पे या जैसे ड्राई आइटम होते हैं ना हमारे मेन्यू के उसके तौर पे इसको सर्व किया जाता है, लेकिन इसको आप ऐसे चावल जैसे आलू की तहरी होती है या मटर पुलाव या वो जो क्रैनबेरी राइस हमने बनाया है उसके साथ एक्सीलेंट जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे और इसके साथ साइड डिशेस जो होंगी वो भी बनाएंगे लाइक क्रैनबेरी राइस। आपको लिंक देते हैं, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो मेरी पसंदीदा राइस है। तो जनाब आपकी खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहिए।